हाय गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त शोभा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड की शोभा पे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और हमारा नाश्ता हो चुका है, तो अभी मुझे बनाने हैं खाना। तो मैं ऐसा करती हूं, अभी आज सब्जी है नहीं, आज सैटरडे है तो आज मार्केट लगा है, तो ये गए हैं मार्केट। तब तक यहाँ ट्यूजडे और सैटरडे यानी मंगल और शनिवार को ही बाजार लगता है और दिन भी लगता है, लेकिन हम लोग बाजार से ही लाते हैं क्योंकि वहां फ्रेश मिल जाता है और थोड़ा दाम भी कम रहता है। तो अभी गए हैं सब्जी लाने, तब तक करते हैं हम लोग की जल्दी से खाना बनाते हैं। तो आज मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, तो आज मैं बनाऊंगी दाल चावल और मूंगफली की चटनी और आलू दम में जो मसाला बनाते हैं, तो मसाला में मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो जब भी मैं बनाती हूँ उस टाइप का कोई भी सब्जी तो बच्चे निकाल के उसको खाते हैं। काम स्टार्ट करते हैं। तो दूध वाले उमेश भैया ने तो दूध दे चुका है, आज दूध उन्होंने कम दिया है, तो फिर भी मैंने उसे बॉइल कर दिया। और मुझे धोनी है नाश्ता के इतने सारे बर्तन, तो मैं बर्तन धोऊंगी और तो पहले मैं कुछ काम कर लेती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज दिखाती हूँ। मेरे सामने में जो पूनम जी है, तो उनका बेटा का बर्थडे है, तो मैंने, वो अभी 3 साल का हो गया तो स्कूल जाने लायक हो गया है, तो मैं इसके लिए एक बैग मंगाई हूँ, स्कूल बैग फर वाला, तो फ्लिपकार्ट से। तो देखते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पांडा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, उस बैग को देख के मेरा मूड एकदम ही ऑफ हो गया, क्योंकि वो बैग एकदम जैसे दिखाते हैं, रिव्यू भी देखे तो ठीक ही था, तो वैसा नहीं है कुछ भी। और अंदर में मार्जिन जो कपड़ा है वो भी एकदम कॉटन का मार्जिन वाला कपड़ा है, तो अच्छा नहीं, तो हम लोग उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। उसके बदले मैं उसे कोई सामान दे दूंगी, तो छोड़िए अब वो रिटर्न हो जाएगा, उसके बदले देखूंगी मैं अपने लिए कुछ मंगा लूंगी। तो अभी मैं आलू बॉयल करने चढ़ा देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी सब्जी के लिए बोली रही थी और देखिए हम लोगों का सब्जी भी आ गया, लेकिन तब तक मैंने आलू बॉयल उन्हें चढ़ा दिया। तो चलिए, तब तक मैं सब्जी को रख देती हूँ फ्रिज में। सब्जी डाल दिया है फ्रिज में और मैं ये रिफाइंड ऑयल को इसमें डाल रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि हम लोग हाउस वाइफ है, तो हम लोग का काम किचन से ही मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और किचन में ही खत्म होता है, क्योंकि हम लोग का जिंदगी का आधा से अधिक समय किचन में ही बीतता है। लेकिन हम लोग को कोई टेंशन नहीं, बस किचन में बीतता है आगे। हाँ देखिये, बात करते करते थोड़ा सा ये रिफाइंड दर हो गया था, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गई थी। तो हम लोग का ज्यादा जिंदगी का आधा से अधिक समय किचन में ही बीतता है और हम लोग फिर भी खुश रहते हैं किचन में काम करके ही, करके भी हम लोग घर का सारा काम कर लेते हैं, जो बोलिए, इतना पैसा भी बचा देते हैं, फिर भी कोई कदर नहीं। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है और मैं चुन रही हूँ चावल, और मैं चावल चुनते हुए आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे किचन में तो हम लोग आधा से अधिक लाइफ का टाइम बीत जाता है, उसके बाद सबका अपना अपना कुछ शौक भी होता है, तो ऐसे ही मेरा जो पैशन बोलिए, शौक बोलिए, सब है। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उन बच्चों को पढ़ाने में मेरा ज्यादा से ज्यादा समय निकल जाता है, तो लगभग 9:30 हो जाता है, 9:30 से 10:30 बच्चों को छोड़ने में, होमवर्क देने में। वो काफी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, होमवर्क देने में। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ तो नाश्ता बनाती हूँ, तो नाश्ता लगभग हम लोग का 10:30 तक ही कम्प्लीट हो पाता है, 10:30 तक हम लोग का नाश्ता हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ और तो उसके बाद फिर मैं खाना के लिए, लंच के लिए तैयारी करती हूँ। तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है,
और पढ़ाने के अलावा भी मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, जैसे कोई पायदान वगैरह या क्रोसिया से स्वेटर, थालपोस, ये सब बनाना भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो सब भी करते रहती हूँ। मैं दिखाऊंगी, एक मैं आधा भी बुन चुकी हूँ, उसको मैं दिखाऊंगी, दो बना चुकी हूँ तो उसको मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम और मैं थोड़ा लंच करके सो गई थी, क्योंकि मैंने सुबह ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाने के बाद नाश्ता खाना फिर कपड़ा धोना, तो मैं काफ़ी थक गई थी। और अब उठी हूँ तो शाम हो चुका है और बारिश हो रही है यहाँ पर, तो बारिश में तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद फिर शाम का चाय और फिर खाना, तो मैं हम लोगों का तो काम किचन में ही जीवन किचन में ही ख़त्म होने वाला है लगता है। तो अभी मोबाइल के अलावा तो कोई जरिया नहीं है एंटरटेनमेंट का, तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। और मैं शायद ट्यूसडे को एक जगह जाऊंगी, तो मेरे हस्बैंड बोले हैं कि ले चलेंगे, तो मैं आप लोग को वहां दिखाऊंगी। और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में, वीडियो में नहीं सॉरी ब्लॉग, मिलते हैं तब कल एक नए ब्लॉग में।